नमस्कार, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी। आप देख रहे हैं रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल पर गौतम बुद्ध नगर की कोरोना अपडेट। गौतम बुद्ध नगर के देहात और कस्बे में कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। गौतम बुद्ध नगर जनपद के धनकौर, जेवर, कस्बों और आसपास के देहात में कोरोना का प्रकोप जारी है। आइए देखें और सुने पूरी कोरोना पड़ताल। सोमवार को धनकौर कस्बे में भी कोरोना को लेकर अच्छी खबर नहीं आई है। धनकौर कस्बे में सोमवार को 2 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कस्बे में कोरोना की सनसनी लगातार बढ़ रही है। धनकौर कस्बे में एक बैंक कर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, वहीं एक महिला भी कोरोना संक्रमित पाई गई है। कस्बे और क्षेत्र में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 61 तक पहुंच गई है। धनकौर के मंदिरों में सोमवार को श्रावण का पहला सोमवार होने के बावजूद सूनापन रहा। धनकौर के मंदिरों में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने के लिए नहीं आए। कई मंदिरों पर सुबह से लेकर शाम तक ताले लटके रहे। कोरोना संक्रमण के डर से धनकौर के मंदिरों में तालाबंदी रही। श्रद्धालु श्रावण मास के पहले सोमवार को भी मंदिरों में पूजा अर्चना करने नहीं आए। आप देख सकते हैं, यह धनकौर का खिड़ा देवत मंदिर है। प्राचीन शिवालय है यहाँ। इस शिवालय पर सुबह से लेकर शाम तक ताला लटका रहा, लोग पूजा अर्चना करने नहीं आए। वहीं धनकौर कस्बे के बाजारों में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। कोरोना संक्रमण के भय से धनकौर कस्बे का एक बैंक कर्मी कोरोना संक्रमित पाया गया है। जी हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा का कैशियर कोरोना संक्रमित पाया गया है। इससे पहले भी बैंक का असिस्टेंट मैनेजर कोरोना संक्रमित पाया गया था। धनकौर के इस बैंक को बंद कर दिया गया है और बैंक पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है बैंक बंद रहने का। कोरोना संक्रमण के खतरे से बचने के लिए धनकौर कोतवाली में पुलिस कर्मियों और कस्बे के लोगों ने राहत और बचाव के उपाय तेज कर दिए हैं। धनकौर कोतवाली का यह दृश्य आप देख सकते हैं, किस तरह नाकेबंदी की गई है लोगों को संक्रमण से रोकने के लिए, और बाहर से आने वाले लोगों का परीक्षण करा करके ही धनकौर कोतवाली में लोगों को प्रवेश कराया जा रहा है। सैनिटाइज का प्रयोग करके ही धनकौर में फरियादी कोतवाली के अंदर आ रहे हैं। इधर धनकौर कस्बे में कोरोना संक्रमण से ज्यादा कोरोना टेस्ट का लोगों को डर है। सोमवार को जिलाधिकारी के निर्देश के बावजूद भी कोरोना पॉजिटिव आए लोगों के परिजनों ने अपना कोरोना टेस्ट नहीं कराया। दिन भर अस्पताल पर चिकित्सक इंतजार करते रहे, लेकिन कोरोना संक्रमित आए लोगों का एक भी परिजन अपना टेस्ट कराने धनकौर के सरकारी अस्पताल पर नहीं पहुंचा। कस्बे में आवश्यक वस्तुओं की जिन दुकानों को खोलने का प्रस्ताव नगर पंचायत बोर्ड ने पारित किया था, उन दुकानदारों और उनके दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों ने भी अपना कोरोना टेस्ट नहीं कराया है। इन दुकानदारों को नगर पंचायत ने निर्देश दिया था कि वह अपना और अपने कर्मियों का कोरोना टेस्ट कराएं, रिपोर्ट की जानकारी उन्हें दें, इसके बाद ही दुकान खोलें। नगर अध्यक्ष अजय भाटी का कहना है कि कल से जो दुकानें कस्बे में आवश्यक वस्तुओं की खोली जा रही हैं, उन दुकानदारों और दुकानदारों पर काम कर रहे लोगों का कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी दुकानों को खोलने दिया जाएगा। धनकौर कस्बे के दुकानदार और अन्य लोग भले ही अपना कोरोना टेस्ट कराने से बच रहे हों, लेकिन धनकौर के चेयरमैन और धनकौर कस्बे के प्रथम नागरिक अजय भाटी ने इस मामले में बड़ी पहल की है। अजय भाटी ने अपना कोरोना टेस्ट कराया है। खुश खबर यह है कि धनकौर चेयरमैन अजय भाटी की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। धनकौर चेयरमैन अजय भाटी की इस पहल का स्वागत किया जाना चाहिए और अन्य दुकानदार और कोरोना संक्रमित पाए गए लोगों के परिजनों को भी अपना कोरोना टेस्ट कराना चाहिए, ताकि कस्बे और क्षेत्र में कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। इधर धनकौर कस्बे में लगातार कोरोना संक्रमित मिलने से कस्बे के सभी बाजार पूरी तरह से बंद हैं। कस्बे का बाजार 2 बार 14-14 दिन के लिए पूर्ण रूप से बंद हो चुका है। कई मोहल्ले सील हैं, लेकिन आवश्यक वस्तुओं की कुछ दुकानें जो नगर पंचायत द्वारा चिन्हित की गई हैं, वह खुल रही हैं। धनकौर के सरकारी अस्पताल में लोगों का कोरोना टेस्ट भी हो रहा है। अब जेवर की कोरोना अपडेट। जेवर में भी लगातार कोरोना संक्रमित लोग मिल रहे हैं। जेवर कस्बे में सोमवार को 3 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। उधर कस्बे के देहात में भी कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे पहले जेवर के भुन्ना तगा गांव में भी एक कोरोना संक्रमित मिला था और नगला हुकम सिंह गांव में भी
एक कोरोना संक्रमित मिला था। कोरोना संक्रमित लोगों को आइसोलेशन में भर्ती कराया गया है, परिवारिक जनों को होम क्वारंटीन किया जा रहा है। आप देख रहे थे आसपास की बड़ी खबरें और कोरोना अपडेट सतीश शर्मा जाफराबादी के साथ। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, पुश बेल आइकन एंड शेयर विद फ्रेंड्स। थैंक्स।